पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा अपने एक दिवसीय दौरे को लेकर बानसूर पहुंचे हैं, जहां कार्यालय पर बानसूर में कल हुई फायरिंग की घटना को लेकर उन्होंने एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कानून व्यवस्था चौपट हो गई और बानसूर की हालत तो बद से बदतर हो गई, इसको चंबल बना दिया गया। यहाँ पर हरियाणा देखो, जो मृत्युंजय का जहाँ तक सवाल है, वो बड़ा सख्त और ईमानदार अफसर था और वो और आसपास के दूसरे राज्यों से, यूपी से, और बड़े भारी तादाद में गुंडे और सरगने गुंडों का जाल यहाँ पर बिछा हुआ है और हमारे गांव के बच्चों को बेका फुसला करके और क्रिमिनल घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये बहुत बुरी बात है, पुलिस का बहुत बुरा हाल है। पुलिस हमारी जो विधायिका है, वो मंत्री है, उसको न जाने किस बात से खतरा है। सारी पुलिस, सारे के सारे दोनों तीनों थानों की, बानसूर थानों की पुलिस, हरसोरा सहित, नारायणपुर सहित, सारी पुलिस शकुंतला जी के सिक्योरिटी में लगी है, होती है, और यहाँ रोज गोलीबारी हो रही है। अभी ये घटना घटी है, बहुत जघन्य अपराध है इस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चलाना। और मुलजिम सरेआम घूम रहे हैं, कोई 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 पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। विधायक ने आकर संवेदना भी व्यक्त नहीं की इस विषय में आकर के, उनको आने की मीटिंग लेनी चाहिए गाँव के मौजूद लोगों को, विधानसभा क्षेत्र के मौजूद लोगों के साथ बैठकर कानून व्यवस्था पर चिंतन करना चाहिए। पर उसके बजाय उसको हवा तो देती है, पर उसको रोकने का कोई उपाय नहीं है। मैं आज पत्र लिख रहा हूँ राजस्थान के महानिदेशक पुलिस को कि बानसूर में एक्स्ट्रा पुलिस का इंतजाम किया जाए। जिस तरह प्रकार चंबल में बदमाशों को भगाने के लिए, कानून व्यवस्था सुधारने के लिए तत्कालीन सरकार, हरदेव जोशी की सरकार ने कानून व्यवस्था सुधारने के लिए व्यवस्था की थी, एक्स्ट्रा पुलिस लगाई थी, इस प्रकार बानसूर में एक्स्ट्रा पुलिस का इंतजाम किया जाए। क्योंकि यहाँ के थानों की पुलिस तो वीआईपी मूवमेंट में रहती है और थाने सुने रहते हैं और इस तरह के जो बदमाश है वो घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है। पुलिसिंग में किसी की सिफारिश नहीं मानता था, इसलिए वो सक्सेसफुल था, सफलतम था। आज पुलिस अफसर पुलिसिंग नहीं कर पाता, आज राजनीतिक दबाव इतना बढ़ गया है कि पुलिस वाले बेचारे अपना एक्शन कर ही नहीं सकते और उनको तो वीआईपी ड्यूटीज में लगा देते हैं, तो एक्शन कहाँ से होगा। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। वैसे ये सरकार इसने तय कर लिया कि तो हमको तो जाना है, कोई मरे तो मरे, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य है राजस्थान के, पहली बार ऐसा हुआ। गहलोत साहब जैसे वरिष्ठ आदमी और आज कुर्सी के लालच में आकर के आंख पर पट्टी बांधे बैठे हुए हैं। बानसूर में क्या हो रहा है, बड़ी शर्म की बात है। विधायक जो मंत्री भी है, मंत्री को यहाँ आकर के और चिंता व्यक्त करनी चाहिए, सलाह मसूला करना चाहिए, यहाँ के मौजूद लोगों को बुलाना चाहिए। मैं इस अवसर पर युवाओं से निवेदन करूँगा, आप खुलकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ, चाहे गुप्त सूचना हो चाहे कोई भी सूचना हो, तो पुलिस को दें या उच्च अधिकारियों को दे, ताकि इन घटनाओं को रोका जा सके। अब युवाओं को आगे आना पड़ेगा, वरना तो अगर राजनेताओं के भरोसे छोड़ दिया तो राजनेता भी आजकल लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में भी लिप्त हैं और क्रिमिनल घटनाओं के पीछे भी उनका आशीर्वाद है। इसलिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा और बानसूर की कानून व्यवस्था में अपना हाथ बटाना पड़ेगा, तब जाके सुधार होगा।